आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जीएसएम बस्ट। जीएसएम बस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है जीएसएम बस्ट? देयर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बस्ट यूज फॉर ट्रांसमिशन इन जीएसएम। ठीक है, बस्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बिट्स। ठीक, तो ग्रुप ऑफ बिट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं जीएसएम में और किस किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है, इसका बहुत बड़ा रोल है जीएसएम के ट्रांसमिशन के से रिलेटेड। पहला बस्ट है उसको हम नॉर्मल बस्ट बोलते हैं, दूसरे बस्ट को हम फ्रीक्वेंसी कनेक्शन बस्ट बोलते हैं, एफ बस्ट। तीसरा है वो है एस या सिंक्रोनस बस्ट, और लास्ट है डी एक्सिस बस्ट। द नॉर्मल बस्ट इज यूज्ड टू कैरी डेटा एंड मूव सिग्नलिंग। इट हैज अ टोटल लेंथ ऑफ 156.25 बिट्स, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। मेड अप ऑफ 257 बिट इंफॉर्मेशन बिट्स, अ 26 बिट ट्रेनिंग सीक्वेंस यूज्ड फॉर इक्वलाइजेशन, वन स्टीलिंग बिट फॉर ईच इंफॉर्मेशन ब्लॉक, ओके, एंड थ्री टेल बिट्स एट ईच एंड एंड एन 8.25 बिट गार्ड सीक्वेंस एज शोन इन दी फिगर। ये फिगर टू, मतलब ये इसी फिगर की बात हो रही है। 156.25 बिट्स आर ट्रांसमिटेड इन 0.577 मिलीसेकंड, गिविंग अ ग्रॉस बिट रेट ऑफ 270.833 किलोबिट्स पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये नॉर्मल बस जो है वो डिफाइन होता है। उसके बाद और कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। दिस बस्ट कैरीज अवर कन्वर्सेशन इन डिजिटल फॉर्म, दैट्स व्हाट द 257 इंफॉर्मेशन मैसेजेस और डेटा बिट्स आर फॉर। द नॉर्मल बस्ट ऑल्सो कैरीज सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन नीडेड टू मैनेज कॉल प्रोसेसिंग, दैट इज डेटा फॉर सेटिंग अप, मेंटेनिंग एंड देन एंडिंग अ कॉल। व्हाट देन आर ट्रेनिंग, टेल, स्टीलिंग एंड गार्ड बिट्स डू, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो। वंस अगेन वी गो स्टेप बाई स्टेप। फर्स्ट इज द ट्रेनिंग सीक्वेंस बिट्स। यूज्ड ट्रेनिंग सीक्वेंस बिट्स इज यूज फॉर द इक्वलाइजेशन। बिट्स विच गेट द बेस स्टेशन एंड मोबाइल इन ट्यून विथ ईच अदर। बेस स्टेशन और आपके जो मोबाइल है उसको ट्यून करने के लिए जो ट्रेनिंग सीक्वेंस है वो उसको यूज करते हैं। यू नीड सम मोर बैकग्राउंड, है ना, एट जॉन विल राइट लेटर ऑन, जिसने ये लिखा है उसके बारे में ये बातें की गई है। स्टीलिंग बिट्स का क्या मतलब है? वेयर बाय अ बिट इज स्टोलन फ्रॉम मैसेज बिट्स जस्ट टेम्परली टू मेक वे फॉर द फास्ट एसोसिएटेड चैनल। इट रन्स इन अ ब्लैंक एंड बस्ट मोड। इट ट्रांसमिट्स ड्यूरिंग हैंडओवर्स और व्हेन द स्लो एसोसिएटेड चैनल कैन नॉट सेंड इंफॉर्मेशन क्विकली इनफ। स्टीलिंग बिट का ये मतलब है कि जब स्टीलिंग बिट, स्टील से ही आपको समझ में आना चाहिए कि स्टीलिंग बिट का ये मतलब है कि जब ट्रांसमिशन स्लो हो जाए या हैंडओवर प्रोसेस स्लो हो जाए तो ये बीच में ये बिट्स को वहां से चुरा के ट्रांसमिशन के लिए यूज कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टीलिंग बिट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है टेल बिट्स। द टेल बिट क्लियर द कोड दैट हैज गॉन बिफोर, सेटिंग एवरी बैक टू जीरो और अनल स्टेट। गार्ड बिट्स एम्प्टी टाइम स्पेसेस सेपरेटिंग डेटा पैकेट्स टू मेक श्योर वन बस्ट डज नॉट रन इन टू अनदर। द गार्ड पीरियड अलाउज द सेंडर सम फ्रीडम टू शिफ्ट ट्रांसमिशन टाइमिंग टू अलाउ द रिसीवर टू रिसीव अलाइन बस्ट। गार्ड बिट्स इन अदर वर्ड्स परमिट सम लीवे और स्लैक। तो जो गार्ड बिट का काम है वो इतना है जैसे गार्ड फ्रीक्वेंसी का काम होता है ना, किसी भी तरीके की ओवरलैपिंग को रोकना, किसी भी तरीके के इंटरफेरेंस को प्रोटेक्ट करना और उसके बाद आगे फिर उस कम्युनिकेशन को आगे लेके जाना, ये काम होता है गार्ड बिट्स। गार्ड बिट्स हेल्प करते हैं उसके लिए, अलाइनमेंट में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी करेक्शन बस्ट। जो फ्रीक्वेंसी करेक्शन बस्ट बना हुआ है सेकंड नंबर पे, दिस इज यूज्ड बाय द मोबाइल स्टेशन टू डिटेक्ट अ स्पेशल कैरियर व्हिच ट्रांसमिटेड बाय एवरी बीटीएस इन जीएसएम नेटवर्क। दिस कैरियर इज कॉल्ड बीसीसीएच एंड इट एक्ट्स एज अ फॉर्म ऑफ बीकन एज मोबाइल स्टेशन विल सर्च फॉर बीसीसीएच कैरियर्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ जीएसएम नेटवर्क। अगर मोबाइल स्टेशन को ये डिटेक्ट करना हो कि कौन सा जीएसएम नेटवर्क उसके नियर बाई में प्रेजेंट है तो एज अ बीकन यूज होता है ये, कौन, फ्रीक्वेंसी करेक्शन बस जो है। द एफबी इज, मतलब फ्रीक्वेंसी बस, इज ऑल्सो यूज बाई एमएस एज अ फ्रीक्वेंसी रेफरेंस फॉर देयर इंटरनल टाइम बेसिस। तो एज अ रेफरेंस भी इसको यूज करते हैं। एवरी बिट इन एफबी इज सेट टू जीरो एंड आफ्टर जीएमएस के मॉड्यूलेशन दिस रिजल्ट्स इन अ प्योर साइन वेव एट अ फ्रीक्वेंसी अराउंड 68 किलोहर्ट्ज।
ये इंटरनल टेक्निकल बात हो गई है ना इससे रिलेटेड। नेक्स्ट बस जो थर्ड नंबर की बस्ट है जिसको हम एस या सिंक्रोनस बस्ट बोलते हैं। व्हाट इज सिंक्रोनस बस्ट? कैरियर्स, ये सिंक्रोनस बस का एग्जांपल भी आप देख सकते हैं फिगर में ना। कैरियर 78 बिट्स ऑफ कोडेड डेटा फॉर्म्ड इनटू टू ब्लॉक्स ऑफ 39 बिट्स ऑन ईदर साइड ऑफ अ 64 बिट ट्रेनिंग सीक्वेंस। दिस बस्ट कैरीज डिटेल्स ऑफ जीएसएम फ्रेम स्ट्रक्चर एंड अलाउज एन एमएस टू fully synchronizes with BTS. This is the first burst that our MS has to demodulate. ठीक है, जब भी हम burst को भेजते हैं, आप लोगों ने अगर microcontroller में पढ़ा होगा synchronous burst और asynchronous burst के बारे में, तो सबसे पहले उस burst में जो वो synchronous burst है, वही जो है वो सबसे पहले decode होती है, क्योंकि वो synchronization establish करती है user और दूसरे user के बीच में। यहाँ पे आप यूजर और मोबाइल के बीच में, यूजर और मोबाइल स्टेशन के बीच में भी आप इसको समझ सकते हैं। तो उसके बीच में अगर मुझे सिंक्रोनाइजेशन चाहिए तो सिंक्रोनस बस्ट को हम पहले क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। ठीक है, वेलकम टू द सिंक्रोनस बस्ट। व्हाट द बेस स्टेशन ट्रांसमिट टू अ मोबाइल टू गेट इन ऑर्डर विद द रेस्ट ऑफ द डिजिटल ट्रैफिक। इट एग्जिस्ट नॉट सरप्राइजिंगली ऑन अ चैनल कॉल्ड द सिंक्रोनाइजेशन चैनल और SCH। ओके, लास्ट जो बस्ट होती है उसको हम एक्सेस बस्ट बोलते हैं। एक्सेस बस्ट है, दिस कंसिस्ट ऑफ अ 41 बिट ट्रेनिंग सीक्वेंस, इट इज फॉलोड बाय अ 36 बिट इंफॉर्मेशन बिट्स। द एक्सेस बस्ट इज यूज्ड बाय द मोबाइल स्टेशन टू एक्सेस द नेटवर्क इनिशियली एंड इट इज द फर्स्ट अपलिंक बस्ट दैट अ BTS विल हैव टू डीमोडुलेट फ्रॉम अ पर्टिकुलर मोबाइल स्टेशन। द ट्रेनिंग सीक्वेंस इज एक्सटेंडेड टू ईज द डीमोडुलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ट्रेनिंग सीक्वेंस को एक्सेस करने के लिए और उसके बीच में जो मोबाइल स्टेशन है वो नेटवर्क को इनिशियली एक्सेस करने के लिए जो यूज करता है वो एक्सेस बस्ट है। ठीक है, एक्सेस बस्ट का भी एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। ये जो फिगर्स हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे बस्ट में। आपके एग्जाम में आपको क्या करेगा, ये पूछेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ GSM बस्ट और एक्सप्लेन द GSM बस्ट इन डिटेल और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द GSM बस्ट। इस तरीके से आपके क्वेश्चनिंग होगी एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएसएम बस्ट आता ही एग्जाम में। एक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आर्किटेक्चर है जीएसएम का, एक जीएसएम का सबसिस्टम डिफाइन जो आर्किटेक्चर के अंदर ही डिफाइन होता है, एक जीएसएम की बेसिक इंट्रोडक्शन हो गई है ना, एक हमने डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी पढ़ी जो DECT, टेट्रा, UMTS ये सब हो गए जिसपे कमेंट लिखने आ सकता है। एक ये जीएसएम बस्ट, इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो रहेगा मोबिलिटी मैनेजमेंट है ना, वो भी एक टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आता है, जो हैंड ओवर से रिलेटेड है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो लास्ट यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई, द एक्सेस कंट्रोल बस्ट इज द ओनली ब्रॉडकास्ट ऑन द रैंडम एक्सेस चैनल और RACH, इसके अलावा और कोई ब्रॉडकास्ट नहीं होती। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बस्ट। इसमें आप सिर्फ बिट का सीक्वेंस बनाएंगे और कौन कौन सी टेल बिट है, कौन सा गार्ड पीरियड है, कितना इन्फो बिट्स है, कितने ट्रेनिंग सीक्वेंस है, इसका ध्यान रखेंगे। इतना ही आप कर लेंगे तो ये फिर सफिशियंट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मोबिलिटी मैनेजमेंट इन द GSM network. Thank you for watching.